दिस लेक्चर इज़ रिकॉर्डेड बाई सरहद एजुकेशन सिस्टम फॉर क्लास 10 आर्ट्स. दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक यूनिट 6 इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस. सो वन बाय वन हम इनके इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क्स. सो स्टैटिक चार्जेस किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क्स प्रोड्यूस करते हैं? जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि दो चार्ज्ड बॉडीज, अगर हम उनको आपस में कांटेक्ट में लेकर आते हैं या उनको पुलिंग अपार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड होते हैं. लेकिन स्टैटिक चार्जेस तब होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हों और दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी आपके पास नेगेटिव चार्जेस हों, बट दोनों की अमाउंट इक्वल हो. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जब दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं तो इनके दरमियान जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है या जो एयर होती है, वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं. जैसे ही वो उस एयर में फिल अप होते हैं तो वो अपनी तरफ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर मौजूद एयर जो है वो हीट अप हो जाती है और शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं. सो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही बताया है कि इफ़ देयर आर मोर पॉजिटिव चार्जेस ऑन वन ऑब्जेक्ट्स एंड इक्वली नेगेटिव चार्जेस ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, देन द अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस may great enough, this condition can let the electrons to jump between these highly charged objects. So once a few electrons start to move across the gap, they heat up the air and more electrons will jump across the gap quickly. So this heats up the air even more. The air gets so hot that for a very short period of time it glows and produces a spark which is known as electrostatic spark. सो ये फिनोमिना कहाँ पर होता है? यूजुअली थंडर स्टॉर्म्स जब होते हैं तो जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है वो इसी प्रोसेस की वजह से होती है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क की वजह से होती है. नेक्स्ट है हमारे पास पोलराइजेशन चार्जेस. सो स्टूडेंट्स, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, इट मीन्स कि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो अमाउंट है या पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो इक्वल हो, तभी एज अ होल एटम या मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल चार्ज एक्वायर करता है. सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उनके जो सेंटर्स हैं वो स्लाइटली शिफ्ट कर जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड पर और नेगेटिव साइड चार्जेस को दूसरी साइड पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो उस चार्ज ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्जेस उसकी एक साइड पर होंगे और नेगेटिव चार्जेस दूसरी साइड पर होंगे. इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन. और ये पोलराइजेशन यूजुअली जो इंसुलेटर होते हैं जिनमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, यूजुअली उन पर भी ये चार्जेस को इंड्यूस कर देते हैं उनकी सरफेस पर. This effect explains why a comb that has been moved through air attracts bits of neutral paper. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम comb करते हैं तो after some times हमारे जो हेयर हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं या उड़ने लगते हैं. ये भी इसी फिनोमिना की वजह से ही होता है. और ये comb फिर न्यूट्रल पेपर्स के जो पीसेज होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. प्रैक्टिकली हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज़ करते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स में इसको यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, फोटोकॉपियर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर्स, हाई वोल्टेज जनरेटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इन सब चीज़ों में यही फिनोमेना अप्लाई किया जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का. सो फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रो पेंटिंग. किस तरह से हम किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पर हम इसी फिनोमिना की मदद से पेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पर कोई भी अगर मेटल बॉडी है जिसको आपने पेंट करना है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, मेटेलिक फर्नीचर, मेटेलिक बॉक्सेस, ऑटोमोबाइल्स एट्सेट्रा, उन सब को पेंट जो है वो इसी फिनोमिना के थ्रू किया जाता है. सो प्रोसेस क्या है इसका कि मेटेलिक बॉडी को हमने अर्थ पे रखना है, ठीक है. उसके बाद जो भी आपने पेंट करना है वो पेंट पार्टिकल्स जैसे ही उस पंप से इमर्ज होते हैं या निकलते हैं उस नज़ल से,
तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जैसे ही ये मेटालिक बॉडी की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, मेटालिक बॉडी कोई भी हो सकती है, कोई कार भी हो सकती है, उसके ऊपर उसके ऑपोजिटली चार्जेस अपेयर होना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो पूरी मेटालिक बॉडी है वो पेंट हो जाती है। इसी तरह से इसको इस अट्रैक्शन की वजह से एक बिल्कुल यूनिफॉर्म कोट पेंट का जो है मेटालिक बॉडी के ऊपर बन जाता है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है। और इसका क्या काम है कि ये गैसेस में से जो अनवांटेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करता है। सो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। यूजुअली लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जो है वो कोल बर्निंग पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में यूज़ होते हैं, जो कि ये दोनों पावर प्लांट्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। सो इस स्मोक को इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये इसमें से स्मोक में से जो ऐश और डस्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं और जो रिमेनिंग एयर होती है वो पोल्यूटेड फिर नहीं रहती है। सो स्मोक इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स को घरों में भी यूज़ किया जाता है हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के तौर पर, जो कि आपके रूम के एटमॉस्फेयर में जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में उसमें उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो इसका प्रोसेस कैसे होता है कि स्टैटिक चार्जेस जो कि यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये स्मोक डस्ट पर प्रोड्यूस होते हैं और जैसे ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में से पास होते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की जो प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट स्मोक और पार्टिकल्स प्लेट के ऊपर अटैच हो जाते हैं और फाइनली रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से हम एक स्मोक को किस तरह से स्मोक डस्ट फ्री बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। सो अपने इस लेक्चर को आप 2-3 टाइम्स रिपीट करें ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो सकें। सो स्टूडेंट्स ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है इसको आप पढ़ लें और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें यही बताया गया है कि वेंडी ग्राफ जनरेटर जो है वो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर है और ये ऑलमोस्ट 14 मिलियन वोल्ट्स की पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है और यूजुअली ये न्यूक्लियर रिसर्च के जो प्रोसेस है उसमें इसको इस जनरेटर को यूज़ किया जाता है। स्मोक अटैक्स एंड एयर फ्रेशनर्स ये दोनों जो टॉपिक्स हैं आप इनको खुद अच्छी तरह से रीड करें और ये जो टॉपिक्स हैं ये इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। आप इन एग्जांपल्स को जब पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। आज के लेक्चर को आप 2-3 टाइम्स रिपीट करें ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो सके। शुक्रिया। इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं वो आप अपनी नीट नोटबुक्स में नोट कर लें। अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट करें। शुक्रिया।